हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज के किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आलू गोभी की मसालेदार सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में तो उतनी ही आसान है। ये सब्ज़ी आज ज़्यादा करके भंडारों और शादी में बनाया जाता है। तो आपने सब्ज़ी तो बहुत तरीके से बनाई होगी, तो आप एक मेरे तरीके से ज़रूर बनाए और यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर यहाँ मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहें तो कच्चे आलू ले सकते हैं। कच्चे आलू लेंगे तो आपको फ्राई करने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने पहले ही आलू को उबाल लिया था ताकि ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें हम लोग। फिर हम क्या करेंगे, अपने उबले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे ही सारे आलू काट लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं तोड़ करके, लेकिन मैं पीसेस में काट रही हूँ। ऐसे ही सारे आलू हम काट लेंगे। फिर इसको हम उठा लेंगे एक बाउल में, एक बर्तन में। मैंने इसमें गोभी रखा है उसमें ही रख लूँगी। सारे आलू को ऐसे ही उठा कर रख लेंगे। इसको करती हूँ साइड में, कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें क्या इस्तेमाल करूँगी सब्जी में। मैंने यहाँ लिया है टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के पीस के लिया है। 2-3 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया है, इसे पीस लिया है। 1 छोटा कटोरी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसमें मसाले क्या इस्तेमाल करूँगी मैं आगे आपको रेसिपी में बता दूँगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, तेल पहले से गर्म है, मैंने तेल को रख दिया था गर्म होने के लिए। उसमें हम डाल देंगे अपना कटा हुआ गोभी जो मैंने छोटे छोटे काट के रखे थे। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक इसका जो कलर है चेंज ना हो जाए। अभी हमारे गोभी जो है हल्का फ्राई हुआ है, इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। इसे और हम फ्राई कर लेंगे कुछ देर तक। जैसे आप देख रहे हैं हमारा गोभी का जो कलर है काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप कच्चे आलू ले रहे हैं तो यहीं पे फ्राई कर लें। अब सारे आलू को हम निकाल लेंगे। मैंने आलू को फ्राई नहीं किया है क्योंकि हम उबले हुए आलू लेंगे। उसी तेल में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2-3 इलायची जिसे मैंने तोड़ के डाला है फ्लेवर के लिए, 4-5 लवंग, 2 तेजपत्ता। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है मसाले में आ जाए। यहीं पे हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था। इसको लो फ्लेम पे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। हमें ज़्यादा इसे जलाना नहीं है वरना जो इसका टेस्ट है ख़राब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा ही भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है अदरक और लहसुन का निकल जाए। यह मैंने भून लिया है 1-1.5 मिनट तक धीमी आंच पे। यहीं पर ऐड कर देंगे हम अपना प्याज का पेस्ट। आप प्याज काट के भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, प्याज या टमाटर काट के ले सकते हैं, पर मैंने पेस्ट बना लिया है। अब प्याज को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जब तक थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्याज जो है भून चुका है, इसका कलर जो है थोड़ा सा पहले से चेंज हो चुका है। अब हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मैं मसाले आपको दिखा देती हूँ। हल्दी पाउडर, फिर से ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, उसी चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए, तीखा नहीं होता है। मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है क्योंकि हम इसको बाद में हरी मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भून लेंगे जब तक कि मसाला जो है थोड़ा सा भून ना जाए। देखिए हमारा मसाला जो है यहाँ पर भून चुका है। मैं भी डाल देंगे अपना हम टमाटर का पेस्ट।
इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे धीमी आंच पे। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। अब चाहें तो यहाँ पर क्या करें कि दही या मलाई डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, अच्छा टेस्ट आता है इससे। यहाँ पर मसाला भूनने के बाद हम डालेंगे अपना पानी अपने ग्रेवी के हिसाब से, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है पतली या गाढ़ी। ग्रेवी उबाल आते ही हम क्या करेंगे, डाल देंगे गोभी जो मैंने फ्राई करके रखा था। यहीं पर ऐड कर देंगे हम अपना उबला हुआ आलू जो मैंने काट के रखे थे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम इसको यहीं पर ऐड कर देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक को एक बार मिला देंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे। ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, 2 मिनट ही लो फ्लेम पे पकाएंगे पहले। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमें इसे और पकाना है, तब हम यहीं पर ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसको मिला देंगे, फिर से कवर करेंगे और 3 मिनट तक, 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे फिर से पका लेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही हमारी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अभी यहीं पर ऐड कर देंगे हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला डालकर हम गैस को कर देंगे ऑफ। यहीं पर डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर से ढक्कन लगाएंगे और कवर कर देंगे और छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ऐसे ही गैस बंद करके। 10 मिनट हो गया है, धनिया का और गरम मसाला का जो फ्लेवर है अच्छी सब्जी में आ चुकी है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तैयार हो चुकी है यहाँ पर हमारी आलू गोभी की मसालेदार सब्जी। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी सब्जी दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो उतना ही टेस्टी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने पूड़ी बनाया था घर पे, तो मैं पूड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ, कुछ सलाद रखा है मैंने। तो तैयार है हमारे यहाँ पे आलू गोभी की मसालेदार सब्जी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।